नमस्ते। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। आज रामनवमी के दिन मैंने तो मेरे घर में राम मंदिर स्थापित किया है। क्या आपने किया है? बहुत सारे लोग हमारे से डीएम कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम हम क्रिस्टल में राम मंदिर रखना चाहते हैं, क्या आप क्रिस्टल में राम मंदिर प्रोवाइड कर पाएंगे। सो हमने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर वर्क किया और हम बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल राम मंदिर क्रिस्टल में लेकर आए हैं। जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, जिनके घर में बहुत ज़्यादा कलेश होता है, उनके घर के लिए रोज क्वार्ट्ज में राम मंदिर है। अब इसको आप अपने घर में लगा सकते हैं। अगर आपके घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, एंड यू वांट लव एंड पीस इन योर फैमिली, अगर आप चाहते हैं कि घर में सारे मेंबर्स प्यार से रहें, आपके घर में प्यार बना रहे, सो यू कैन कीप रोज क्वार्ट्ज राम मंदिर इन योर एट योर प्लेस। अगर आपके घर में पैसे की को लेकर दिक्कत है, प्रॉस्पेरिटी को लेकर दिक्कत है, अबंडेंस को लेकर दिक्कत है, तो उसके लिए ग्रीन एवेंजरीन का राम मंदिर है। सो अगर आप चाहते हो कि पैसा आपके घर में आए, ग्रोथ आए, प्रॉस्पेरिटी आए, तो आप ग्रीन एवेंजरीन का राम मंदिर अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि घर में बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, आप चाहते हो घर में सारे लोग पीस में रहें, हारमोनी में रहें और सब लोग घर में एक एकजुट होकर रहें, स्पिरिचुअल रहें, तो ऐसे में आप एमेथिस्ट रख सकते हो, ओवरऑल ग्रोथ के लिए, ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए, ओवरऑल पीस के लिए। सो दीज थ्री आर द बेस्ट यू नो क्रिस्टल्स दैट यू कैन कीप एट योर होम। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल मंदिर है। आप एमेथिस्ट में रख सकते हो, आप रोज क्वार्ट्ज में रख सकते हो, आप ग्रीन एवेंजरीन में रख सकते हो। मैंने तो मेरा फेवरेट रख लिया है, अब आपकी बारी है।